आज भाई एक बहुत ज्यादा खूबसूरत प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए। अब देखो सस्ते के अंदर अगर बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाए TWS के अंदर तो मजा ही आता है। तो भाई आज जो है ओप्पो ने अपना नया लॉन्च कर दिया, ओप्पो के एनको बर्ड्स 2। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे और इसका सेकंड वर्जन आ गया, तो हमने सोचा चलो भाई आपको भी दिखाते हैं। सो भाई ये रहे हमारे ओप्पो के एनको बर्ड्स 2 और भाई आज जो है हम इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते भाई हमारे को बॉक्स में क्या कॉन्टेंट देखने को मिलता है और फटाफट आपको बताते भाई और क्या क्या मस्त चीज आती है। तो कुछ इस तरीके हमारे को बॉक्स देखने को मिलता है सामने जो है काफी ज्यादा सुंदर सुंदर बने हुए हैं हमारे ओप्पो के एनको बर्ड्स 2 कुछ इस तरीके से। एंड पीछे साइड में आपको थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, लाइक अप टू 28 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम देखने को मिलता है। नॉर्मल सा बॉक्स है, इसको ओपन करते हैं पहले। तो ये हमारा पिटारा खुल रहा है, टाटा। ओह यस, सारी शक्तियां आ गई भाई साहब हमारी इसके अंदर। एंड ये निकाला हमने TWS बाहर। ओके, तो ये देखो इधर ना दिखने में लग नहीं रहे थे कि राउंड होंगे, बट एक्चुअलिटी के अंदर ना ये राउंड है। देखो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिजाइन है, इसको निकाल लेते हैं पहले बार। काफी ज्यादा क्यूट और छोटे से वो, और पूरी राउंड डब्बी है यार, ये बढ़िया। मतलब ऐसे ना हम जेब में डाल सकते हैं, देखो इस तरीके से पता भी नहीं चल रहा। देखो हमने मस्त TWS डाल रखे अपनी जेब के अंदर और सही यार, मतलब बिल्ड क्वालिटी बढ़िया लगी मेरे को। बाकी बॉक्स में चेक करते हैं और क्या मिलता है पीछे से उठ के। ओ खुल जा सिम। तो इसके अंदर भाई हमारे को जो है कंटेंट एक्स्ट्रा जो मिलता है वो ये है, एक तो क्विक स्टार्ट गाइड और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देखने को मिल जाती है, ये रही, और चार्जिंग केबल नहीं है भाई साहब। वाह, बजाओ ताली। चार्ज कैसे करेंगे? अब देखो आपके पास होगा ही चार्जर, बट जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आ रहे हैं ना, उस प्राइस रेंज के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैं पहले से यूज कर चुका हूँ, इसलिए आपको अनबॉक्सिंग थोड़ी अजीब लग रही होगी। मैं इसको पिछले 2 दिन से यूज कर रहा हूँ एंड मुझे पता है इसकी परफॉर्मेंस कैसी। तो फटाफट से पेयर करता हूँ आपको और चीजें बताता हूँ। अब यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें, देखो ओप्पो की यहाँ पे हमारे को ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड पूरा ब्लैकिश टोन के अंदर आता है साइड से। थोड़ा सा यहाँ पे जो ग्लॉसी पार्ट देखने को मिलता है स्ट्रिप बेसिकली, और बहुत ही जैसे क्यूट से, लिटल से क्यूट से काइंड ऑफ। एंड हम जब उसे ओपन करते हैं, वाओ, अंदर जो है ब्लू कलर का जो एक्सेंट है भाई लिटरली बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। आपको पता है पर्सनली ब्लू कलर पसंद है हमें, ऐसे आसमानी रंग बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगर हम ये वाले बर्ड बाहर निकालते तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को डिजाइन देखने को मिल जाता है एंड बहुत ही ज्यादा मैट प्लस ग्लॉस फिनिश के अंदर है, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लगते हैं। पहले अगर हम इसे लाइक नॉर्मली पहन के देखें, अगर कान में डाल के, तो कुछ इस तरीके का लुक इधर से देते हैं एंड कुछ इस तरीके का लुक इधर से आता है, तो लाइक आपको पता चल जाएगा। एंड लाइक मेरे को ना जो ब्लैक कलर है ना मैट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और साथ जो फिट एंड की स्नग फिट है काफी। मैं अपने कानों की एक अच्छाई करना चाहूंगा, मेरे कान भाई किसी भी TWS के साथ बढ़िया से फिट हो जाते हैं, पता नहीं कैसे भगवान ने वरदान दे रखा है। मैं ज्यादा यूज नहीं करता TWS, लेकिन फिर भी मेरे को ना लाइक कान में कोई भी TWS लगा दो बढ़िया से फिट होता भाई। ये देखो मैं अगर ऐसे कुछ भी करूंगा बिल्कुल नहीं निकलेगा मेरे कान से। पेयरिंग प्रोसेस है काफी ज्यादा इजी है, लाइक जैसे तो मैंने अभी जो है इसको बंद कर दिया, अगर मैं ओपन करता हूं पेयरिंग मोड ऑन हो जाएगा और नीचे की साइड में आपको एक छोटी सी लाइट देखने को मिलती है, वहीं पे USB टाइप सी का पोर्ट है जिसे हम इसे चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो पेयरिंग जो है यहाँ पे आ गई और हमारे कंप्यूटर में आप देख गया ओप्पो एनको बर्ड्स 2, इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एंड इजीली भाई ये मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएंगे और अब जो है मैंने मस्त से काम वाम करते हुए गाने सुन सकता। अब यहाँ पे जैसे देख हमारे मैकबुक में और हमारे, ओ भाई साहब ये तो बाहर तक आवाज आ रही है, कुछ ज्यादा तेज सुन रहा हूँ, मतलब ऐसे आप लोग मेट्रो वेट्रो में सुनोगे ना समझ रहे हो, गाना तो मत सुनना दिक्कत हो सकती है, बट हाँ काफी ज्यादा लाउड है। इसके अंदर हमारे को 10 mm के ना टाइटनाइज ड्राइवर देखने को मिलते हैं, तो ना जो इसका बेस हो गया जो एक पूरा एक ओवरऑल साउंड की क्वालिटी काफी ज्यादा स्टेबल आती है भाई सच में। मैंने ना काफी एयरबड्स यूज करे हैं, TWS यूज करे और मेरे को ये ना अच्छे लगे इस बजट रेंज के अंदर एंड परफेक्टली फाइन ऑडियो दे रहे हैं और बेस और वोकल्स का जो एक कैसे तो मिश्रण होता है ना बहुत ज्यादा सही आ रहा है इसमें। तो ये बेसिकली जो वोकल्स का काम है ये इनके अंदर ना ओप्पो की एक टेक्नोलॉजी जो कि कहते हैं एनको लाइव स्टीरियो, उससे थोड़ी बेटर साउंड क्वालिटी आपको मिलती है ओवरऑल। और साथ ही इसके अंदर हमारे को एडवांस ऑडियो कोडेक मिलता है, तो मतलब ऑब्वियसली जो इमर्सिवनेस है ना वो बहुत ज्यादा रहेगी इस TWS में। ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं ना, तो आपको लगता होगा इसमें बैटरी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसके अंदर जो है 40 mAh की बैटरी देखने मिलती है हमारे को सिर्फ और सिर्फ, और जो इनके केस होता है इसके अंदर हमारे को 460 mAh की बैटरी देखने मिलती है और ये जो है अराउंड आपको 28 hours तक का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ दे सकते हैं, मतलब जो कंपनी क्लेम करती है। बाकी आपको सही मिल जाएगी, अभी मैंने चेक नहीं करा पूरा चार्ज करके क्योंकि अभी इतना मैं यूज नहीं करता था, बताया था ना मैं ज्यादा नहीं करता यूज। चार्जिंग टाइम मेरे को थोड़ा सा इन ईयरबड्स का ज्यादा लगा, बट कोई नहीं, अब आप यूज करोगे तो लंबे समय तक तो चार्जिंग हो जाएगी, बट थोड़ी सी स्लो चार्जिंग। तो इसके अंदर हमारे को जो है नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाती है, बट ये एक्टिव वाली नहीं है, इसके अंदर हमारे को मिलती है सिर्फ और सिर्फ AI डीप नॉइस कैंसिलेशन, जिसके अंदर की जब कॉल वॉल पे होगी तो पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइस होती है हमिंग नॉइस होती है वो कम करता है, ताकि जो कॉल क्लैरिटी है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए। कॉलिंग कर दी हमने निवेश जी को, तो लाइक नॉइस कैंसिलेशन वर्क कर रही है, क्वालिटी अच्छी है। एक बार दोबारा बोलो, हेलो हेलो हाय, हाँ आवाज अच्छी है, लाइक ठीक है, कनेक्शन भी सही है। मेरे को ना कनेक्टिविटी जो मेरे लैपटॉप के साथ वो काफी ज्यादा सही लगी और साथ साथ मैं कल रात को भाई फोन के साथ यूज कर रहा था तो उसमें भी बढ़िया थी, क्योंकि इसमें हमारे को ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आवाज जो आती है इसके केस के अंदर वो बहुत ज्यादा क्रेजी आती है, काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है इसका मैग्नेट, अच्छा काफी स्नैपी है देख सकते हो। ओवरऑल यार ये मेरे को ना काफी अच्छे लगे इन द सेंस कि आप लोग इसके अंदर ना लाइक अगर कोई भी गाना सुनने के लिए अगर आप एक TWS ढूंढ रहे हो ना बजट, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से। नो डाउट अगर आप लोग इस बजट के अंदर अंडर 2000 एक अच्छे TWS ढूंढ रहे हो तो ओप्पो के ये वाले
वाले बहुत बढ़िया हैं एंड इनके जो पहले वाले आए थे ना इनको वो भी बहुत चले थे इस बजट के अंदर, तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, तो आप लोग ले सकते हो, मैं डेफिनेटली लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड ये मेरे को यार ओपन ने भिजवाए थे, कोई भी ऐसा पेड वेड नहीं है, नॉर्मल है, बस ओपन ने भिजवाए थे, रिव्यू कर रहे हैं बस वही। बाकी इस प्राइस रेंज के अंदर अगर मैं कुछ ज्यादा कॉस्ट निकालूंगा तो ऐसे वाजिब रहेगा नहीं, क्योंकि प्राइस कम है, अगर ज्यादा होता फिर होती बात, बाकी ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़िया लगे, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बस यार यही थी वीडियो, अगर पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस बाय बाय।